बच्चों आज हम लोग बात कर रहे हैं कैनिज़ारो रिएक्शन के बारे में। कैनिज़ारो रिएक्शन एक नेम रिएक्शन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फॉर बोथ बोर्ड एंड कंपटीशन पर्पस के लिए। चलो कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन के बारे में। सबसे पहली बात, कैनिज़ारो रिएक्शन को सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड्स देते हैं, याद रखना सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड्स देते हैं, और वो भी कौन से एल्डिहाइड, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो या फिर जीरो अल्फा हाइड्रोजन हो। लाइक अगर मैं बोलूं फॉर्मेल्डिहाइड एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, तो फॉर्मेल्डिहाइड के पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूं बेंजल्डिहाइड लाइक दिस, तो जरा सब लोग देखो ध्यान से, क्या बेंजल्डिहाइड के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं है। अल्फा कार्बन कौन सा होगा? ये कार्बन होगा अल्फा कार्बन, और हमेशा याद रखो अल्फा हाइड्रोजन हमेशा अल्फा कार्बन के पास ही होता है, तो यहाँ पे भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। दैट मींस फॉर्मेल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड ये क्या कर रहे हैं, ये कैनिज़ारो रिएक्शन देंगे। और भी बहुत सारे ऐसे एल्डिहाइड्स हैं जो कैनिज़ारो रिएक्शन देते हैं, उन्हें हम आगे पढ़ेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, रिएजेंट। हमेशा और हमेशा कैनिज़ारो रिएक्शन में कंसेंट्रेटेड KOH और साथ में हीट, या कंसेंट्रेटेड NaOH या साथ में हीट मिलती है। कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर आपको 50% KOH और 50% NaOH और साथ में हीट दे देता है। अब 50% KOH या 50% NaOH का मतलब ही होता है बच्चों कंसेंट्रेटेड NaOH या कंसेंट्रेटेड KOH। क्यों? क्योंकि डाइल्यूट तो 5% से नीचे होता है ना, बिलो 5% कोई भी एसिड क्या होता है, डाइल्यूट होता है। ये तो 50% है, दैट मींस ये कंसेंट्रेटेड है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, हमेशा याद रखो कैनिज़ारो रिएक्शन में एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन भी होता है और एल्डिहाइड का रिडक्शन भी होता है। जब भी हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है, एसिड बनता है, यहाँ पे सॉल्ट ऑफ एसिड बनेगा। और जब भी एल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे ना, हम नॉर्मल वे में बात कर रहे हैं, तो हमेशा वहां पे क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। अब बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। देखो कैनिज़ारो रिएक्शन में रिडक्शन ऑक्सीडेशन क्या हो रहे हैं, एट अ टाइम हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। और जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हैं, उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। और अगर सेम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा और सेम एल्डिहाइड का रिडक्शन हो रहा होगा, तो वो भी एक रिडॉक्स रिएक्शन होगी, लेकिन उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ सेम एल्डिहाइड टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, देन डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन अकर्स। और डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ये बात आप सब जानते हो कि हर डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन होती है, लेकिन हर रिडॉक्स रिएक्शन डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं होती है। तो कैनिज़ारो रिएक्शन हमेशा रिडॉक्स रिएक्शन होगी, लेकिन जब सेल्फ कैनिज़ारो होगा तो वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगी, और अगर क्रॉस या इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो रिएक्शन होगी तो वो डिसप्रोपोर्शनेशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, वो कंडीशंस पे डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ कैनिज़ारो रिएक्शन, कि कैनिज़ारो रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है, कैनिज़ारो रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। तो ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी को हम लोग समझेंगे कैनिज़ारो रिएक्शन के मैकेनिज्म से। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं सेल्फ कैनिज़ारो रिएक्शन, सेल्फ कैनिज़ारो रिएक्शन। क्या होगा सेल्फ कैनिज़ारो रिएक्शन में, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फॉर्मेल्डिहाइड की, एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, और हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं कंसेंट्रेटेड एन ए ओ एच, एंड सेकेंड हम लोग हीट कर रहे हैं हीट को, तो सेकेंड हम लोग यूज कर रहे हैं हीट को। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है कि जब भी एल्डिहाइड होगा और उसकी कैनिज़ारो रिएक्शन होगी, तो एक बनेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड सेकेंड वन बनेगा बच्चों अल्कोहल। तो एक हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना देते हैं, क्या होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, एस सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ एन ए, बिकॉज सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, यहाँ एन ए ओ एच यूज किया है तो सोडियम सॉल्ट बना है, अगर मैं के ओ एच यूज करता
पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता। साथ में और क्या बनेगा बच्चों? साथ में बनेगा अल्कोहल। कैसे बनेगा? CH3OH। अब ध्यान से देखो, एल्डिहाइड से जब ये अल्कोहल बना था तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। दैट मींस यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे हो रहा है रिडक्शन। और जब एल्डिहाइड से सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना है तो यहां पे क्या हो रहा है? एक ऑक्सीजन और ऐड हो गया है, यानी क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। दैट मींस यहां पे बच्चों ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका मतलब कहने जा रहा हूं, रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हैं। दैट मींस दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। और जरा देखो ध्यान से, क्या सेम ही एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन एंड सेम ही एल्डिहाइड का रिडक्शन हो रहा है? इसका मतलब ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। याद रखना, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में, और मैकेनिज्म में ही हम लोग जानेंगे कि ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी क्या होगी कैनिजारो रिएक्शन की। तो बच्चों अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ कैनिजारो रिएक्शन। देखो, कैनिजारो रिएक्शन का मैकेनिज्म 3 स्टेप में होता है। सबसे पहले स्टेप होती है स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर फर्स्ट इज अटैक ऑफ OH-। स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या होगा? OH- का अटैक होगा। कैसे? देखो, ये एक फास्ट रिएक्शन होगी, देखो कैसे अटैक होगा बच्चों। HC डबल बॉन्ड OH, और जब इसके पास OH- आएगा तो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, बिकॉज OH एक नेगेटिव आयन है, तो ये यहां पर पोलैरिटी जनरेट कराएगा। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव एंड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब OH कहां पर अटैक करेगा? ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव पार्ट पे अटैक करेगा और क्या बना देगा? HCO-H+OH। और ये रिएक्शन क्या होगी? ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। अगर ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, दैट मींस अगर मैं इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करूं, तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यहाँ पे रिएक्टेंट फॉर्मेल्डिहाइड और OH- है, तो हम प्रोडक्ट को कंसीडर कर लेते हैं कि हमारा प्रोडक्ट इज ए नेगेटिव आयन, बिकॉज नेगेटिव साइन इज हियर प्रेजेंट। तो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट इज ए नेगेटिव अपॉन HCHO का कंसेंट्रेशन एंड कंसेंट्रेशन ऑफ OH- आयन। ये हमारे पास आ गए इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट की वैल्यू। नाउ अब बात करते हैं सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या होती है? सेकेंड स्टेप होती है हाइड्राइड ट्रांसफर। नाउ अब हम लोग बात करते हैं बच्चों सेकेंड स्टेप इज हाइड्राइड शिफ्ट। जो हमारी स्टेप नंबर सेकंड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्यों? क्योंकि ये हमारी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है वो हमेशा क्या होती है? वो एक स्लो स्टेप होती है, स्लो स्टेप होती है। तो देखो क्या होगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में। हमारा एक बना था HCO-H+OH, और अब हम हमारा दूसरा मोल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड यूज करेंगे। दैट मीन्स HC डबल बॉन्ड O और H। और अब क्या होगा? ये जो ऑक्सीजन है जिसके पास नेगेटिव है, ये अपना ऑक्सीजन वापस बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा, और यहां से ये हाइड्रोजन अपना बॉन्ड लेकर के बाहर आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ H- आयन। और जब ये H- के फॉर्म में निकलेगा तो देखो बच्चों, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, तो ये अटैक करेगा कहां पर? यहां। और ये क्या बना देगा? ये बना देगा HC डबल बॉन्ड O OH, एक एसिड, एंड साथ में HCH+H+O-। ये इसने बना दिया। अब अगर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, यानी स्लो स्टेप है, तो इसका मतलब है रिएक्शन के रेट को क्या कर सकता हूँ? कैलकुलेट कर सकता हूँ। और रिएक्शन का रेट क्या होगा? अगर मैं रिएक्शन के रेट की बात करूं तो एक कांस्टेंट, साथ में कंसेंट्रेशन ऑफ HCHO फॉर्मेल्डिहाइड
फॉर्मेल्डिहाइड एंड साथ में कंसेंट्रेशन ऑफ दिस पार्ट, और इस पार्ट को हमने क्या कंसीडर किया था, ए नेगेटिव, दैट मींस इसको मैं लिख सकता हूं ए नेगेटिव, ये आ गया हमारा रेट रिएक्शन का। अब एक चीज देखो, हमेशा आपको पता है कि रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के, पर अभी अभी आपने के इक्विलिब्रियम जब लिखा था तो वहां आपने लिखा था कि कंसेंट्रेशन ऑफ ए नेगेटिव आयन अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ एच सी एच ओ एंड ओ एच नेगेटिव आयन। क्या आप यहां से ए नेगेटिव की वैल्यू को निकाल सकते हो? अगर मैं ए नेगेटिव की वैल्यू को निकालूंगा, ए नेगेटिव की वैल्यू आएगी मेरी के इक्विलिब्रियम इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ एच सी एच ओ एंड ओ एच नेगेटिव आयन। अब मैं ए की वैल्यू को हमारे रेट में प्लेस कर रहा हूं, तो जैसी मैं रेट में प्लेस करूंगा तो के इंटू के इक्विलिब्रियम इज के डैश, दो इक्विलिब्रियम मल्टीप्लाई होकर के नया इक्विलिब्रियम आ गया के डैश, साथ में एच सी एच ओ दो हो गए तो ऊपर ट्वाइस एंड साथ में ओ एच नेगेटिव। जरा ध्यान से देखो इस रिएक्शन में ऑर्डर कितना हुआ, 2+1=3, दैट मींस कैनिजारो रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है, हमेशा 3 होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं बच्चों मॉलिक्यूलरिटी के बारे में, तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज कितने मॉलिक्यूल्स ने पार्टिसिपेट किया, एक फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है और साथ में OH नेगेटिव का मॉलिक्यूल है, दैट मींस मॉलिक्यूलरिटी इज 2। तो हमेशा याद रखना जब भी आप कैनिजारो रिएक्शन की बात करेंगे तो वहां पर मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3 के बारे में। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3 जो है हमारी प्रोटॉन एक्सचेंज। तो देखो हमारे क्या क्या कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो गया था, एक हो गया था एच सी ओ एच एंड एच नेगेटिव, एंड और क्या हुआ था साथ में एच सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ एच। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे प्रोटॉन एक्सचेंज होगा। कहां पर है प्रोटॉन, कौन है प्रोटॉन, प्रोटॉन कौन होगा, वो हाइड्रोजन होगा जो उस एलिमेंट से जुड़ा हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 या 3 से ज्यादा हो, तो वो है ये हाइड्रोजन, ये प्रोटॉन है, दिस इज अ प्रोटॉन। अगर हम बोले कि सर क्या ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है या ये प्रोटॉन है, नहीं, दीज आर नॉट प्रोटॉन्स, प्रोटॉन कौन है, ये हाइड्रोजन है। मैंने ऑलरेडी बता चुका है प्रोटॉन कौन से हाइड्रोजन होते हैं, वो हाइड्रोजन होते हैं जो उन एलिमेंट से जुड़े हो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 या 3 से ज्यादा हो। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है। तो अब इन प्रोटॉन का एक्सचेंज होगा और क्या बनेगा, एच सी एच एच एंड ओ एच प्लस एच सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ नेगेटिव। जरा देखो क्या मैं इसको लिख सकता हूं सी एस थ्री ओ एच, दैट मीन्स एल्कोहल, एंड यहां पर जब एन ए पॉजिटिव आयन, क्योंकि हमने एन ए ओ एच यूज किया था, जब मीडियम से एन ए पॉजिटिव आयन आएगा तो वो ऑक्सीजन के पास चले जाएगा और हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, एच सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ एन ए, यानी सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। दैट मींस हमारे दो कंपाउंड बन गए, एक एल्कोहल एंड सेकेंड वन इज सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यही मैंने आपको डायरेक्ट करना सिखा दिया था कि बच्चों इसको हम लोग डायरेक्ट कैसे करेंगे, एक पार्ट का ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे पार्ट का रिडक्शन होगा। अब एक पॉइंट हो, सर अगर मेरे पास दो डिफरेंट एल्डिहाइड हो तो क्या होगा, लाइक अगर मैं एग्जांपल की बात करूं क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन की, तो देखो क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन में मैं एक ले रहा हूं अपना बेंजल्डिहाइड एंड एक मैं यूज कर रहा हूं एच सी डबल बॉन्ड ओ एच।
सर आप कैसे पता चलेगा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है? क्योंकि अगर मुझे यही नहीं पता कि मेरे किस एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा, तो मैं मैकेनिज्म भी नहीं कर पाऊंगा। मैकेनिज्म मैंने आपको सिखा ही दिया है। अब देखो, इसको करने की फिर से ट्रिक बताता हूं। हमेशा याद रखो, जो मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड होगा उसका हमेशा बच्चों ऑक्सीडेशन करा दो, उसका हमेशा ऑक्सीडेशन करा दो। और जो लेस रिएक्टिव एल्डिहाइड होगा उसका बच्चों रिडक्शन करा दो। अब ये बात तो आप सब जानते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड में कौन सा एल्डिहाइड ज्यादा स्टेबल है? बेंजल्डिहाइड ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? फॉर्मेल्डिहाइड होगा। तो बेंजल्डिहाइड इज लेस रिएक्टिव एंड फॉर्मेल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव। यहां पर रेजोनेंस हो रहा है, यहां कुछ नहीं हो रहा। फॉर्मेल्डिहाइड बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो अगर फॉर्मेल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है तो उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। बेंजल्डिहाइड लेस रिएक्टिव है तो उसका क्या होगा? रिडक्शन होगा। और अगर आप प्रोडक्ट बनाना चाहो तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? मोर रिएक्टिव से बन जाएगा, एच सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ एन ए। अगर मैं कंसेंट्रेटेड एन ए ओ एच एंड हीट को यूज करता हूं, तो अगर के ओ एच को यूज करूंगा तो ओ के आ जाएगा। साथ में जो लेस रिएक्टिव है उसका क्या बनेगा? उसका एल्कोहल बनेगा, क्योंकि उसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो साथ में क्या बना? सी एच टू एंड ओ एच, ये दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया, एल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमेशा याद रखना, जो एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, और जो एल्डिहाइड कम रिएक्टिव होगा उसका रिडक्शन होगा। तो आपको तो ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, आपको मॉलिक्यूलरिटी पता होनी चाहिए, आपको ऑर्डर पता होना चाहिए। और जो मैंने ट्रिक बताई है कि मोर रिएक्टिव का ऑक्सीडेशन, लेस रिएक्टिव का रिडक्शन, इसको याद रखो। आप एक चीज और याद रखो, जरा मुझे बताओ, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। यस सर, यहां पर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड इसका रिडक्शन हो रहा है। क्या ये एक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है? नहीं, ये एक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है। क्यों डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है? क्योंकि सर सेम कंपाउंड का रिडक्शन ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि जब भी आप कैनिजारो रिएक्शन की बात करेंगे तो कैनिजारो रिएक्शन में अगर कंपाउंड सेम है, यानी सेम एल्डिहाइड यूज हो रहा है, तो उसका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा।